आज की वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारती सिंह ने आदित्य नारायण के घर पर ही अपने बेटे गोला के जन्माष्टमी इवेंट को क्यों सेलिब्रेट किया। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको देने जा रहे हैं और इनके रिलेशन के बारे में भी बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा स्ट्रांग रिलेशन है जिसको लेके आदित्य और भारती फ्यूचर के भी बहुत से प्लान्स बनाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले तो आदित्य नारायण और भारती सिंह बहुत अरसा पहले एक दूसरे को बहन भाई बोलते आ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम लोग एक घर में पैदा नहीं हुए लेकिन एक दूसरे के लिए वैसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसे कि बहन भाइयों के लिए होती है। आदित्य नारायण ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो भारती को बिल्कुल बहनों ही की तरह से चाहते हैं। यहाँ आपको बताते चले दोस्तों तो इन दोनों के दरमियान में ये डिसाइड हुआ था कि फर्स्ट जिम्नास्टिक इवेंट के मौके पर दोनों के बच्चों को एक साथ ही ना सिर्फ तैयार किया जाएगा बल्कि इसकी सेलिब्रेशन भी साथ में ही जाएंगे। इसीलिए आदित्य नारायण के घर पर ये सेलिब्रेशंस रखी गई और भारती सिंह भी अपने बेटे लक्ष्य को लेकर वहां पर पहुंची, जहां हमने देखा कि बहुत से बच्चे मौजूद थे। बहुत ही खूबसूरत झूले तैयार किए गए थे और इसके साथ रंगारंग इस तकरीब के अंदर बेपनाह खूबसूरतियां और खाने देखने को मिले। आदित्य नारायण ने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए बहुत ही मोहब्बतों का इजहार किया था गोला और भारती के साथ और उन्होंने कहा कि आज ये लोग मेरे घर पर मौजूद हैं और मुझे ये जानकर और कहने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई। और दोस्तों इन दोनों बहन भाइयों की इस मोहब्बत और इस इवेंट की सेलिब्रेशन को लेकर आप क्या कहेंगे जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो स्टे कनेक्टेड।